एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल LBS कंप्यूटर सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमएस वर्ड 2060 के अंदर व्यू टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखिए यहां पर व्यू ग्रुप के अंदर, यहां पर हम देख सकते हैं कि व्यू ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो जो मैं बताऊँगा अगर आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए ताकि मैं इसी तरह से और आपके लिए एक वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, और मेरा वीडियो को क्या करें, YouTube वाले प्रमोट करें। अगर जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा हमें उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा और मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। तो ठीक है, आप चलते हैं आगे की ओर। सबसे फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है जी, देखिए रीड मोर। रीड मोर क्या होता है कि जैसे सपोज डैट यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आप टाइप करके रखे हैं, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट कुछ टाइप करके रखा हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट को रीड मोड में ले जाना चाहता हूँ। रीड मोड का मतलब होता है क्या कि इसको ना एडिट करने का ये सब ऑप्शन दे, ठीक है, ना एडिट करने का ऑप्शन दे, इस टाइप से कलर ना करने का ऑप्शन दे, मीन्स यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए हमें डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में रखना चाहता हूँ। सिर्फ पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट में क्या करना चाहता हूँ, फुल स्क्रीन में करना चाहता हूँ। तो आपको व्यू में जा करके, कौन सा व्यू ऑप्शन में जा करके, व्यू टैब के अंदर जा करके, फिर से यहाँ पर देखिए व्यू ग्रुप है, उसमें रीड मोड में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट रीड मोड में चला जाएगा। मीन्स इसको पढ़ने के लिए यहाँ यूज कर सकते हैं, मीन्स इसको आप एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पहले की तरह करना है तो दो ऑप्शन है, एक तो कि आप यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप प्रिंट लेआउट पर क्लिक करिए तो पहले की तरह हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर लेफ्ट बटन करिए क्लिक, ठीक है, देखिए पहले की तरह हो गया। या फिर आप इसको अगर रीड मोड में कर देते हैं तो पहले की तरह करना है तो आप यहां से व्यू में चलेंगे, देखिए यहां पर व्यू है, अब व्यू में जाने के बाद एडिट डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट पहले की तरह हो जाएगा। कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो रीड मोड होता है सिर्फ इसमें पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इसको एडिट करना है तो नहीं कर सकते। ये प्रिंट लेआउट क्या होता है, प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि जब डाटा को बनाते हैं तो बना करके क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जिस तरह से प्रिंट लेआउट में डॉक्यूमेंट नजर आता है वही लेआउट हम यहाँ पर रख के काम करना चाहते हैं। जैसे सपोज डैट ये डॉक्यूमेंट को इस टाइप से देख रहे हैं, आप अपना फाइल को जाकर के प्रिंट पे क्लिक करिए, ठीक है, ये देखिए प्रिंट मोड में उसी टाइप से नजर आ रहा है क्या, कि इधर से कितना मार्जिन है सेबी यहाँ से बता रहा है, ऊपर से कितना मार्जिन है से बता रहा है, लेफ्ट से कितना मार्जिन है राइट से चारों ओर बता रहा है, और यहाँ से भी प्रिंट लेआउट पर क्लिक करें तो यहाँ से भी उसी टाइप से बता रहा है। मीन्स प्रिंट लेआउट में क्या होता है कि अपना डाटा को जिस तरह से प्रिंट मोड में देख सकते हो उसी मोड में यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। वेब लेआउट क्या होता है, जैसे इंटरनेट का पेज खोलते हैं तो पूरा स्क्रीन में आपका नीचे की ओर पूरा फुल स्क्रीन में विंडोज में नजर आता है पेज, उसी टाइप से वेब लेआउट यहाँ पर कर दीजिएगा तो उसी टाइप से आ जाएगा। देखिए इस तरह के आ गया, पेज को क्या कर दिया, वाइड कर दिया। आउटलाइन, जस्ट आउटलाइन थोड़ा सा अलग टाइप से हो गया, पहले की तरह करना है तो देखिए क्लोज आउटलाइन हो गया। मीन्स यहाँ पर अलग अलग प्रकार का स्टाइल है पेज का, और कोई बात नहीं है इसमें। ऐसे ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्ट किस टाइप का आ गया, पहले की तरह करना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर लीजिए। मीन्स आपको अलग अलग स्टाइल लेकर के आप यहाँ पर काम कर सकते हैं पेज को। ऐसे तो ज़्यादातर जो डाटा एमएस वर्ड में बनाया जाता है वो प्रिंट लेआउट में रख के बनाया जाता है, क्योंकि प्रिंट लेआउट के अंदर क्या होता है कि सारा फंक्शन एडिट वगैरह करने का बड़ा आसानी तरीके से मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शो क्या करता है, शो में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूलर, क्या लिखा हुआ है जी, रूलर। अगर आप इस पर क्लिक हटाते हैं, देखिए जैसे इस पर क्लिक हटाएंगे तो यहाँ देखिए ऊपर से जो रूलर था यहाँ पर वाला रूलर ये हट गया, जैसे यहाँ पर क्लिक करके लगाते हैं तो देखिए वापस से रूलर आ गया, ठीक है, यहाँ से रूलर जो होता है, या फिर आप इधर रूलर देख सकते हैं इस साइड में, देखिए रूलर है, ये रूलर रहेगा, अगर इस पर से क्लिक हटा देते हैं आप देखिए रूलर हट जाएगा यहाँ से। तो रूलर का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, आप इसको क्या करिए रूलर का इस्तेमाल, जैसे सपोज डेट आप इसको सिलेक्शन कर लिए, सिलेक्शन करके आप क्या चाहते हैं इसको हल्का सा ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो कर्सर को यहाँ पर ले जाइए, देखिए यहाँ पर, और इस तरह से एरो बना, क्लिक के साथ ऊपर करेंगे, देखिए ऊपर जा रहा है, मार्जिन ऊपर से कम हो रहा है। तो आप रूलर का इस्तेमाल करके ये सब काम कर सकते हैं, या फिर इधर से इधर ले जाना है, देखिए फिर यहाँ से एरो बना, ये देखिए यहाँ से एरो बना, आप क्लिक के साथ राइट मार्जिन को भी कम कर सकते हैं। तो ये रूलर है तब, तो अगर आपके पास रूलर नहीं रहता तो आप ये नहीं कर पाते। तो रूलर का अगर आपको ज़रूरत है तो इस पर क्लिक लगा करके रखिएगा तो रहेगा, क्लिक हटा करके रखिएगा तो नहीं रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट ग्रेड लाइन यहाँ पर देखिए, ग्राइड लाइन से क्या होता है कि यहाँ पर आपका पेज में लाइनिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए लाइनिंग आ गया। लाइनिंग का इस्तेमाल होता कहाँ है जी? तो लाइनिंग का इस्तेमाल जैसा सपोज डेट आप कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से जैसे इंसर्ट पर मैं गया, यहाँ से शेप में गया, यहाँ से इस तरह से शेप में ले लिया। अब शेप को बनाते समय आपको क्या करना है कि बराबर बराबर दूरी पे शेप बनाना है। तो क्या करना, क्या जैसे कि यहाँ देखिए लाइनिंग को मैं मिला लिया, यहाँ पर देखिए प्लस पॉइंट यहाँ पर मिला लिया और क्लिक के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब कंट्रोल डी करने के बाद अगला शेप अगर आपको टांग के ले जाना है, देखिए बराबर बराबर दूरी पर सेट करने में आसान पड़ रहा है ग्रेड लाइन है, तो देखिए कंट्रोल डी मैं कर रहा हूँ तो बराबर बराबर दूरी पर सेट करने में आसानी पड़ रहा है। आपको सुविधा नजर आ रहा होगा, देख रहे होंगे कंट्रोल डी करने के बाद आसानी से बराबर बराबर दूरी पे सेट हो पा रहा है। और ये अगर यहाँ पर से क्लिक ना रहता क्या होता है, यहाँ पर व्यू में जाकर के अगर आप क्लिक हटा देते तो देखिए लाइनिंग हट जा रहा है, अगर ला देते तो वापस आ जाता है, क्लिक लगा देते हैं तो वापस आ जाता है, राइट कंडीशन लगाते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेड लाइन पर क्लिक करके बराबर बराबर दूरी पर शेप को बना सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन पेन क्या होता है समझिएगा। जैसे नेविगेशन पैन पर क्लिक करने के बाद, नेविगेशन पैन पर जैसे क्लिक करेंगे तो इधर कुछ सर्च ऑप्शन आ जाएगा, मीन्स आप अपना डॉक्यूमेंट का कोई भी वर्ड, पार्टिकुलर वर्ड आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ से मेरे को ढूंढना है वीडियो। ठीक है, तो जैसे ही इंटर करेंगे लिखने के बाद जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा देखिए वीडियो वहाँ वहाँ अलग टाइप से हाईलाइट कर रहा है। देखिए अगर इसका कलर चेंज कर देंगे, जैसे मैं कलर दे रहा हूँ डायटोमेटिक कलर, तो इसका देखिए जहाँ जहाँ आपका वीडियो यहाँ पर लिखा रहेगा देखिए उसको पीला पीला कलर का शो करने लगा। कितना जगह है जी? तो आप एक रिजल्ट फाउंड किए हैं, कितना जगह पे वो है? तो 4, मीन्स 4 जगह पर आपका ये रिजल्ट है। क्या? तो वीडियो जो सर्च किया वो 4 जगह पर लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से आप नेविगेशन पैन के द्वारा कोई भी पार्टिकुलर वर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जूम क्या होता है जी? देखिए जूम यहाँ भी है, देखिए जूम बटन यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हैं यहाँ पर आप जूम बटन प्लस पर क्लिक करके जूम को बड़ा कर सकते हैं, माइनस पर क्लिक करके जूम को जूमिंग कम कर सकते हैं, मतलब पेज का जो है ना जूमिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस से जूम आउट होता है, माइनस से जूम इन होता है। तो यहाँ से ना करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि जूम पर क्लिक कर लीजिए, अगर आपको यहाँ से जितना परसेंटेज जूम चाहिए, जैसे मैं 50 लिख दिया और यहाँ से जैसे ओके कर दूंगा तो देखिए आपका यहाँ पर इस तरह से हो गया। तो यहाँ से इस टाइप से जूम कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट जूमिंग होता है, देखिए 100% मीन्स जब भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एडिट करना हो या काम करना हो या फिर फॉर्म टाइप कर, मतलब बहुत सारा जो भी काम करना हो, तो आप 100% क्लिक करके 100% पर रख करके आप काम कर सकते हैं। नॉर्मल जूमिंग होता है, डिफॉल्ट जूमिंग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ वन पेज मल्टी पेज पेड वाइज ये सब क्या होता है समझना है। यहाँ पर देखिए अभी कितना पेज है जी, यहाँ देख सकते हैं स्टेटस बार में कितना पेज है, एक पेज है। मैं 2-4 पेज ले लेता हूँ यहाँ पर, लास्ट में मैं कर्सर रखूंगा इस तरह से। ठीक है, और कंट्रोल इंटर से जितना बार कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा पेज आएगा। जैसे मैं कितना पेज ले लिया यहाँ पे, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 पेज में एक भी पेज पूरी तरीके से शो नहीं कर रहा है। ऊपर वाला हिस्सा देखना है तो नीचे वाला छिप जा रहा है, नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा छिप जा रहा है। पर मैं चाहता हूं क्या कि वन पेज यहां पे है लिखा हुआ, ये पूरा कंप्लीटली शो कराता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए एक पेज पूरा कंप्लीट दिखा रहा है, यहाँ पर उतना ही जूमिंग करके लेके आ जाता है, लेकर के आ जाता है जितना में वन पेज यहाँ पर पूरी तरीके से शो करे। तो वन पेज करके क्या कर सकते हैं, तो अपना पेज को पूरी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। मल्टी पेज क्या होता है, तो एक बार में कई पेज को देख सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से। जैसे मल्टी पेज पर मैं क्लिक किया, देखिए एक पेज में 2-3 पेज लेकर के आ गया। ठीक है, मतलब जितना पेज आ सकता है उतना पेज मल्टी पेज से आ गया, वो भी पूरी तरीके से पेज लेकर के आ जा रहा है। पेज वाइड क्या करता है कि जिस पेज पर क्लिक करेंगे वो पेज को चौड़ा कर देता है। ठीक है, चौड़ी मीन्स क्या होता है, उसका वाइड बढ़ जाता है। ठीक है, वाइड को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। देखिए पूरा फुल विंडोज में लेके आ जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि फुल विंडोज में लेकर के आ जा रहा है। तो इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है जी, अगर इसको मैं सेव करता हूँ, देखिए यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्या लिखा है, फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1 है। इसको मैं सेव करता हूँ, जैसे फाइल पर जाकर के मैं सेव कर देता हूँ, ब्राउज में जाकर कहीं भी सेव कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ वर्मा नाम से सेव। ठीक है, मैं वर्मा नाम से यहाँ पर क्या कर दूंगा, सेव पर मैं क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे सेव करेंगे तो यहाँ देखिए वर्मा नाम का एक फाइल खुला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर एक ही फाइल है, ऐसा तो इसे बहुत कुछ और है, यहाँ देखिए एक ही है डॉक्यूमेंट खुला हुआ। यहाँ पर इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप एक ही है, यहाँ पर एक ही है, ये देखिए है ना, मिस वर्मा का ही डॉक्यूमेंट एक खुला हुआ है जी, वर्मा नाम का डॉक्यूमेंट है वही खुला हुआ है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। पर आप चाहते क्या है कि वर्मा नाम के डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट करें, मिस न्यू विंडोज इसी का आते रहे। ठीक है, कई विंडोज चाहते हैं इसी डॉक्यूमेंट का,
तो आप न्यू विंडोज पर जैसे क्लिक करेंगे तो वर्मा नाम का एक और डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। मीन्स यहाँ पर जैसे क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एक पहले से यहाँ पर वर्मा वन आ गया, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी देखिए कितना है, एक है, और यहाँ पर देखिए कितना है, टोटल दो है, एक वर्मा टू है आ गया और यहाँ पर वर्मा वन है, दो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर वर्मा वन आया और एक, और यहाँ क्या है, वर्मा टू है। अगर आप चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो एक बार और क्लिक करिए इस पर, देखिए थ्री आ गया यहाँ पर, यहाँ पर देखिए टोटल कितना पेज आ गया, तो तीन पेज आ गया, ये आपका वन, ठीक है, ये वन टू और थ्री, ये तीन प्रकार का डॉक्यूमेंट आपका यहाँ आ गया। देखिए थ्री आया ना, यहाँ पर देखिए थ्री आया, ठीक है, जैसे यहाँ पर चेंज करिएगा, यहाँ पर जैसे थ्री पर तो थ्री आ जाएगा, यहाँ पर टू पकड़िएगा टू आ जाएगा, और सारा डॉक्यूमेंट एक ही है। अगर मान के चलिए कि मैं टू पर, यहाँ देख सकते हैं किस पे मैं चेंज कर रहा हूँ, टू पर, अब टू पर मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एल बी एस कंप्यूटर सेंटर कुर्था, इस तरह से मैं ले लिया, देखिए यहाँ पर ले लिया मैं। अब देखिए इस सारा डॉक्यूमेंट पर लिखाया होगा, जैसे देखिए अभी टू पर मैं यहाँ पर नजर आ रहा है, अब यहाँ पर जाइए और यहाँ वन पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर वन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अब वन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, अब यहाँ देखिए वन आ गया, अब वन में भी देख सकते हैं नीचे की ओर आकर के वन में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं टू क्लिक किया, देखिए टू में भी वही चीज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर कि टू में भी वही चीज़ है। तो जैसे ही एक भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट में लिखिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट में खुद से लिखाते जाएगा। इसका यूज़ कहाँ है, जैसे सपोज डेट आप कई डॉक्यूमेंट ले रखे हैं, गलती से एक कट गया यहाँ पर, इस तरह से कट गया तो भी दो बचा ना, फिर एक भी कट गया तो भी एक बचा, ठीक है, तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा कई विंडोज ले रखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट अरेंज ऑल क्या होता है, जैसे न्यू विंडोज करके कई डॉक्यूमेंट को ले रखे हैं, ठीक है, और सबको स्क्रीन पर अरेंज करना चाहते हैं या स्क्रीन पे क्या करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, तो अरेंज ऑल पे क्लिक करिए, ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट अरेंज हो गया। देखिए ऊपर यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट थ्री, यहाँ डॉक्यूमेंट वन और नीचे है डॉक्यूमेंट टू, मीन्स आपका स्क्रीन पे तीनों डॉक्यूमेंट अरेंज हो गया। जिस डॉक्यूमेंट को आपको बड़ा करना है आपको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेना है, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज होने लगेगा, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्प्लाइट क्या है, स्प्लाइट से अपने जो यह पेज है उसको दो हिस्से में काट सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, जैसे ऊपर वाले डाटा को देखते हुए हमको नीचे कुछ काम करना है, तो नीचे देख रहे हैं तो ऊपर छिप जा रहा है, तो करना क्या है कि स्प्लाइट पर क्लिक करके आप ऊपर वाले डाटा को भी देख सकते हैं और नीचे वाला भी डाटा को देख सकते हैं। देखिए ये दो हिस्सा में बांट दिया, बीच से दो हिस्सा में क्या कर दिया, पेज को बांट दिया, ऊपर अलग ये नीचे अलग, ठीक है, दो विंडोज एक हो गया, एक प्रकार के पेज का दो विंडोज हो गया। रिमूव स्प्लाइट करेंगे तो आपका ये स्प्लाइट हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्यू बाई साइड क्या है, तो देखिए अभी वर्मा थ्री नाम का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें से जो चूज करेंगे और ओके करेंगे वो एक इस साइड में आकर के खुल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड खुल गया, एक इधर खुल गया, ठीक है, यहाँ से जो बड़ा करना है क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं। रीसेट पोजीशन करेंगे तो पहले की तरह, जैसे कि मैं इसको बड़ा किया, ठीक है, रीसेट पोजीशन करेंगे, देखिए पहले की तरह कर दे रहा है। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर कर क्या, जैसे मैं व्यू साइड बाई साइड पर क्लिक कर रखा हूँ, ऐसे क्लिक किया, ठीक है, वन को और क्लिक कर दिया, इधर आ गया, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ, ये ओके, और जैसे रीसेट पर क्लिक करेंगे तो पहले की तरह फिर से कर दे रहा है। तो इस तरह से आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्विच विंडोज, अभी देखिए वर्मा थ्री नाम का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगर आप चाहते ही नहीं हमें तो टू नाम के खोलना है तो इस पर जाकर के टू पे क्लिक करिए, वन पे, देखिए वन पे जैसे क्लिक किया, देखिए वन आ गया, इसको बड़ा करिए, देखिए वन आ गया। अगर आप चाहते हैं नहीं, साइड बाई साइड पर क्लिक हटा दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको टू खोलना है तो टू पे क्लिक कर दीजिए, देखिए नीचे टू आ गया, इसको बड़ा कर लीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्विच दे करके अपना अलग अलग डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं। माइक्रो, देखिए माइक्रो का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे सपोज डेट अपना डाटा को टाइप कर रहे हैं, इस तरह से मैं सबको बंद कर देता हूँ, ठीक है, सबको बंद कर दे रहा हूँ, मात्र एक को रखा हूँ यहाँ पर, क्या नाम का है, वर्मा नाम का डॉक्यूमेंट, इसको मैं कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो भी डाटा यहाँ पर लिखूँ वो रिकॉर्ड होते रहे, क्या होते रहे, रिकॉर्ड होते रहे, रिकॉर्डिंग यहाँ पर होते रहे, तो उसके लिए आपको माइक्रो पे जाना है, ठीक है, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है, और जो भी नाम से आपको रिकॉर्ड करना है वो नाम टाइप करना है बिना स्पेस के साथ। जैसे राम लिख रहे हैं तो स्पेस देके कुमार नहीं लिखना है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे राम लिखे तो राम ही लिख करके छोड़ देना है, और यहाँ से क्या करना है, देखिए राम लिखे तो राम ही लिख करके छोड़ देना है, पर इस तरह से स्पेस नहीं देना है, ठीक है, बिना स्पेस के एक ही लाइन में मैसेज को लिख करके यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पुराने जमाने का कैसेट टाइप के देखिए नजर आने लगा, देखिए है ना, नजर आ रहा है ना ये माउस में,
तो ये आपका रिकॉर्डिंग का सिंबल है, आप जो भी लिखिएगा ये रिकॉर्डिंग होते रहेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे दिस इज नाइस पेन, इस तरह से मैं नाइस पेन लिखा, ठीक है, व्हाट इज योर नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ, योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं वो जानना है हमें, तो पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लिया, ठीक। और कहाँ जाना है, व्यू में नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद व्यू पर जाना है, माइक्रो पर जाना है, व्यू माइक्रो, और यहाँ से जो नाम लिखे हैं उस पर क्लिक करके, जैसे राम नाम के लिखा हुआ राम पे क्लिक करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा रन, क्या करूँगा जी रन, जैसे रन पे क्लिक करूँगा, देखिए वही मैसेज आ गया क्या। तो इस तरह से आप माइक्रो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो आप मेरा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो के द्वारा किसी और को, आपका दोस्त को सीखने को कुछ मिले। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलता हूँ।